जिन क्षण में कुंभकर्ण स्वामी ने ये गाथा लिखी थी, किन्हीं आह्लाद भावों से लिखी थी, कल्याणकारी भावना से लिखी थी, भव्य जीवों को उन्नति का पथ दर्शाने की भावना से लिखी थी, और वे लिख पढ़ते हैं। जो समय पाहुल में न पड़ी दूर है, जो इस समय प्राप्त ग्रंथ को पढ़ करके समय सार नहीं दिखा उन्होंने कहीं। पहली गाथा में भी समय पाहुल कहा, तो अंतिम गाथा में भी समय पाहुल शब्द दिया। जो समय पाहुलम इनम, जो इस समय प्राप्त को पढ़ करके पढ़ता ही नहीं कहा, पढ़ करके अभी वाक्य पूर्ण नहीं हुआ, अभी तो शब्द पद हुआ है। पढ़ी तो नहीं अर्थ तच्छदो नादुम, उस तत्व के अर्थ को जान करके अभी प्रतीक्षा मत करो, वाक्य पूरा नहीं हुआ है, कुछ और गहन वाक्य कहना चाहते हैं। जो इस समय प्रावृत को पढ़ करके शब्द पद हुआ, तत्व जो समय पाहुण मिणम पड़ी धुने अर्थ तच्छदो नादुम, तत्व के अर्थ को जान करके यह अर्थ पद प्रत्यय हुआ। आपने अर्थ भी जान लिया, किंतु नीचे गहन बात कहते हैं, जो चिरकाल से यह प्यासा आत्मा चाह रहा है, कितने साधन जुटाए, कितने चातुर्मास कराए, कितने संतों का समागम किया, कितनी बार स्वाध्याय किया, ग्रंथों का आलोड़न किया, हाय आंखों से अवलोकन तो किया, लेकिन ज्ञान चक्षु खोल नहीं पाया। जो जानने वाला तत्व था उसको जान नहीं पाया, जो देखने वाला तत्व था उसको अपनी ही सम्यक दृष्टि के माध्यम से देख नहीं पाया, क्या करे। आचार्य भगवान तो कहते हैं, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किं, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, प्र शब्द लगाया, प्र उपसर्ग पूर्वक ज्ञान, यानी जिसके पास में प्रज्ञा नहीं है, विवेक युक्त ज्ञान नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किं, उसके लिए भला शास्त्र क्या कर सकता है, भगवान क्या कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा अध्यात्म हमारे सामने आ जाता है, जो कर सकता है तू ही कर सकता है, तेरा काम तुझसे ही होगा। जब माँ हताश हो जाती है बेटे से कह के करके, बेटा भूल ले आना, कहाँ रखा है, कैसा रखा है, कैसे रंग का है, बता दो ना माँ। अरे पागल, तुझे इतना बताऊंगी, इतनी एनर्जी वेस्ट होगी, इससे बेहतर है नहीं अपने हाथों से कर लेती हूँ। होता है ना, बाहर के काम में तो अपने काम की आपको लगन लगती है, लेकिन जब अंतर यात्रा की बात आती है तो क्यों चूक जाते हैं। आपका काम आपसे ही होगा। अगर कोई तीर्थंकर हमारा काम कर देते, करुणालु थे, दया के सागर थे, अनुकंपा के भंडार थे, लेकिन वो हमारा काम न कर पाए। उन्होंने एक सूत्र दिया, तेरे स्वचतुष्टय में, स्वचतुष्टय का मतलब स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकार, स्वभाव, इस जहां दीवारी में तेरा ही प्रवेश है, ये अकाट्य सिद्धांत है, उसमें मैं भी प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान आपके पास में तो केवल ज्ञान की शक्ति है, अनंत बल की धारी है, अनंत वीर प्रकट हो चुका है, स्वामी आप तो पधारिए ना, मेरे भीतर में कुछ तो परिवर्तन हो जाए। नहीं कर सकता, तू ही करता है, तू ही कर सकता है। हाँ, अगर तू चाहे तो निमित्त बन सकते हैं, लेकिन चाहने का मतलब क्या है, जब तुमने अपने आप को पावरफुल कर लिया, तुम्हारी उपादान शक्ति जागृत हो गई, तुम